हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अंजीव सिंह अकेडमी तो चलो हम बात कर ले एक्सेप्शनल हैंडलिंग के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर क्योंकि वो चैप्टर रह रहा है अभी टॉपिक तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेप्शन होता क्या है व्हाट इज एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको क्या क्या जानने हैं एक्सेप्शन के बारे में जानने हैं एक्सेप्शन क्या है एक रन टाइम एरर होता है एक सिचुएशन होता है देखो दो तरह के एरर होते हैं कभी भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे पास दो तरह के एरर होते हैं एक हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं और एक को हम रन टाइम एरर कहते हैं

जे टेक्स फील्ड वन डॉट गेट टेक्स और गेट टेक्स के अंदर में टेक्स फील्ड के अंदर में मान लो आपने फाइव फाइव सेवन नाइन कुछ वैल्यू डाला तब तो, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा लेकिन अगर आपने वहाँ पे अपना नाम लिख दिया हेलो हाउ अब उसको इंटीजर डॉट इंट इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेगा तो नहीं कर पाएगा तो ये एक एक्सेप्शन है ये क्या है एक्सेप्शन है ये इनपुट रॉन्ग होने के कारण वैल्यू गलत देने के कारण हमारे प्रोग्राम में रन टाइम में एरर आ जाता है और प्रोग्राम एब टर्मिनेट कर जाता है इसको अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेशंस कहते हैं तो एक्सेप्शन इज एन एरर सिचुएशन दैट इज अनएक्सपेक्टेड इन द प्रोग्राम एजक्यूशन इन द प्रोग्राम एजक्यूशन ऑकर्स मैं यहाँ पे कॉमा देकर लिख देता हूँ ऑकर्स ड्यूरिंग रन टाइम ऑकर्स ड्यूरिंग रन टाइम एंड काउज इट टर्मिनेट्स द प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली राइट द नेम ऑफ द सम एक्ट एक्सेप्शन अब समय एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो सकता है आउट ऑफ बॉन्ड्स कहते हैं एक्चुअली एरे आउट ऑफ रेंज जो आता है वो आउट ऑफ बॉन्ड्स ऑफ एरे इंडेक्स होता है डिवाइड एंड जीरो मेमोरी है ना इन वैलिड डेटा टाइप इन वैलिड डेटा टाइप ये सब कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जो रन टाइम में ऑकर्स होते हैं इज इट मैंडेटरी टू हैंडल द एक्सेप्शन इन योर प्रोग्राम येस इट अगर आप एक अच्छा प्रोग्राम लिखना चाहते हो तो कभी भी आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होना चाहिए कई बार आपने देखा होगा कुछ एप्लीकेशंस में आप काम करते हो तो वहां पे हैरर आ रहा होता है तो आपसे पूछता है कि क्या करना है एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है ओके करना है वेट करना है इग्नोर करना है तो कुछ ऐसी व्यवस्था हमें देनी होती है उसे एंटिसिपेट करने के लिए कि भाई हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली तरीके से बंद हो बंद हो लेकिन प्रॉपर तरीके से बंद हो मेरे से पूछ के बंद हो कहने का अर्थ ये है कि येस इट इज मैंने प्रोग्राम दैट कूड लीड टू अनप्रेडिकेबल रिजल्ट एन हैंडल द एक्सेप्शन वट इज द मीन बाई एक्सेप्शन हैंडिंग इन जावा एक्सेप्शन हैंडिंग का मतलब ये होता है कि सो दैट अ प्रोग्राम इज एबल टू डील विद द एक्सेप्शन एंड कॉन्टिन्यू एक्सक्यूटिंगस और टर्मिनेट ग्रेसफुली मतलब नॉर्मल तरीके से प्रोग्राम बंद हो एक्सक्यूशन कंटिन्यू चलता रहे और हमारे कोडिंग के अंदर में हमने जो लाइन लिखा हमने जो प्रोग्रामिंग किया उसमें उस तरह के एक्सेप्शन्स को प्रॉपर केयर किया जाए कि भाई ठीक है अगर ऐसी समस्या आएगी मान लो किसी ने डाटा इनपुट किया तो इनपुट करने के बाद हम चेक करेंगे कि उसके अंदर में डिजिट्स हैं या नहीं है अगर हैं तो ठीक है नहीं है तो हम बोल देंगे कि आपको एक नंबर इनपुट करना है नाम इनपुट नहीं करना है या जो अल्फावेट्स हैं या फिर हम ऐसे कंट्रोल ही लगा दें कि वो कुछ इनपुट ही ना कर सके वो जीरो से नाइन के अलावा कोई सिंबल प्रेस ही ना कर सके जैसे आप मोबाइल में देखते हो कि अगर नंबर का कोई कंसेप्ट आ जाता है जहां पे नंबर वैल्यू इनपुट करना होता है तो देखोगे ऑलमेट ऑल वो ना ऑटोमेटिकली न्यूमरिक की आ जाता है कि आप नंबर ही टाइप करेंगे और अगर नाम वाला होता है जहां पे नाम टाइप करना है तो ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिक की पैड आ जाता है कि नाम नंबर कुछ भी टाइप कर सकते हैं वहां पे ठीक है द बेसिक आइडिया इन एक्सेप्शन हैंडलिंग इज टू डिनोट द एक्सेप्शन ब्लॉक ब्लॉक पहले डिनोट करो कि से एक्सेप्शन आ रहा है कौन सा ब्लॉक है कौन सा कोड है जहां से एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है आइडेंटिफाई द एरिया इज इन द कोड वेयर एरर्स कैन ऑकर कैच द एक्सेप्शन एक्सेप्शन को कैच करो रिसीव द एरर एंड फर्दर राइट द सम कोड थ्रू विच यू कैन हैंडल द एक्सेप्शन ही पार्ट होता है बट फाइनली एक ऑप्शनल की वर्ड है बताते हैं इसके बारे में इन जावा ट्राई कैच ब्लॉक वट डू यू मीन बाई दाई कैच ब्लॉक इन जावा ट्राई कैच ब्लॉक इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन

कैच ब्लॉक कंटेंट्स द एक्सेप्शन हैंडलर कोड स्पेसिफिक कोड दूटेड विन द एक्सेप्शन जब एक्सेप्शन होंगे तो क्या होगा कौन सा लाइन एक्ट होगा किस तरह के स्टेटमेंट एक्सक्यूट होंगे वो सारे कैच ब्लॉक के अंदर लिखे जाते हैं मल्टीपल कैच ब्लॉक्स फॉलोइंग अ ट्राई ब्लॉक कैन हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन कई बार क्या होते हैं पॉसिबिलिटीज होता है कि जो कोड आपने ट्राई के अंदर डाला है उसमें कई तरह के एक्सेप्शन हो सकती हैं अलग अलग स्टेटमेंट का अलग अलग एक्सेप्शन हो सकता है तो उन सभी को हम हैंडल करें तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि एक तो आप जनरलाइज एक्सेप्शन हैंडलर बना दें कैच बना दें कि भाई वो किसी भी तरह के एक्सेप्शन को पकड़ ले और एक ऐसा कैचर बनाए जो इंडिविजुअल हो तो उससे क्या थोड़ा मैसेज स्पेसिफिक होता जाता है और फिर समझ में आता है कि किस तरह का एक्सेप्शन आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक क्या होगा भाई तो आपको ट्राई लिखना है इसके अंदर वो सारे कोड आएंगे जहां से एक्सेप्शन पॉसिबल है कैच एक्सेप्शन वन टाइप कैच एक्सेप्शन टू टाइप और लास्ट में फाइनली भी आप लिख सकते हैं जो एक ऑप्शनल कंपोनेंट है वट इज द यूज ऑफ द ट्राइ ब्लॉक अभी मैंने बताया गया कि ब्लॉक इज एग्जामिन ड्यूरिंग द एक्शन टू डिटेक्ट एनी एक्सेप्शन दैट में बी थ्रोन बाई एनी स्टेटमेंट्स और एनी कॉल्स टू द मैथड विद इन द ब्लॉक ब्लॉक क्या करता है चेक करता है कि एक्सक्शंस के टाइम में वो डिटेक्ट करने की कोशिश करता है कि कोई एक्सेप्शन तो नहीं आ रहा है तो एक्सेप्शन तो थ्रो नहीं किया जा रहा है किसी स्टेटमेंट के थ्रू किसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू या किसी फंक्शन के कॉलिंग के बाद है ना अगर कोई एक्सेप्शन इफ एन एक्सेप्शन इज थ्रोन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड थ्रोन टू द फर्दर ठीक है तो वो क्या करेगा अगर कोई एक्सेप्शन किसी ने बनाया है दिया है तो वो एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसे उसी ऑब्जेक्ट को वो थ्रो कर देता है बाहर फेंकता है अब जब किसी ने थ्रो किया तो कोई कैच भी तो करेगा तो दैट इज द यूज ऑफ द कैच ब्लॉक व्हाट इज द यूज ऑफ कैच ब्लॉक वेन द ट्राई ब्लॉक ऑन एनी एक्सेप्शन द कंट्रोल एंटर्स द कैच ब्लॉक

मैच इज फाउंड द स्टेटमेंट इन द कैच ब्लॉक आर एक्स्यूटेड फॉर हैंडलिंग द एक्सेप्शन व्हाट है बाई ब नहीं होगा तो कैच ब्लॉक कुछ भी रन नहीं करेगा कैच क्लाउज दैट फॉलो द ट्राइ ब्लॉक आर नॉट एक्सक्यूटेड तो कैच ब्लॉक जो है वो एक्सक्यूट च ब्लॉक वो एक्सक्यूट नहीं करेगा इसको ब्लॉक कर दो कैच ब्लॉकोजॉक आर नॉट एक्सक्यूटेड एक्सिक्यूशन कंटिन्यू एट द स्टेटमेंट आफ्टर द लास्ट कैच क्लॉज जो लास्ट वाला कैच ब्लॉक है उसके आगे एक्सिक्यूशन कंटिन्यू करता रहेगा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वट इज द यूज ऑफ द फाइनली ब्लॉक देखो ऑप्शनल क्या है द ऑप्शनल फाइनली ब्लॉक फाइनली ब्लॉक क्या होता है पहला तो ऑप्शनल होता है

ऐसे कुछ फिक्स मैसेजेस हैं कुछ फिक्स इंस्ट्रक्शंस हैं फाइल को क्लोज करना मेमोरी को क्लीन करना तो ऐसे काम हम जनरली फाइनली के अंदर करते हैं दिस मीन्स द फाइनली ब्लॉक इज एक्टेड वेदर एन एक्सेप्शन ऑकर्स और नॉट प्रोग्रामर्स यूज दिस ब्लॉक टू पुट इन क्लीन अप कोड जैसे मेमोरी को फ्री करना ऐसे कुछ काम हम यहाँ पे कर लेते हैं विच क्लास ऑब्जेक्ट कैन कैच ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन जैसे ना ना एक मतलब जिसको ग्लोबल कैचर कह सकते हो हर चीज कैच कर सकता है वो एक्सेप्शन क्लास होता है एक्सेप्शन क्लास जो होता है मेन क्लास है इसका एक्सेप्शन के लिए तो अगर आपने एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए आर्गूमेंट दे दिया कैच ब्लॉक के अंदर में मतलब यहां पर आपने जो एक्सेप्शन टाइप में यहाँ एक्सेप्शन और E लिख दिया, लिखा यहां पे, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो हर तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर देगा तब आपको मल्टीपल की जरूरत नहीं है या आप ये कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में तो कुछ डालिए, में सबसे जनरलाइज कैच डाल दीजिए कि भाई कोई नहीं मिलेगा तो ये वाला तो हो ही जाएगा विच मैथड ऑफ एक्सेप्शन अगर कोई एर मैसेज दिखाना होता है तो एक्सेप्शन का कौन सा मैथड हम यूज करते हैं तो उसका नाम है गेट मैसेज फंक्शन

अब हमने पब्लिक स्टैटिक बॉयड मेन के अंदर में क्या किया ट्राई लिखा यहाँ पे घोषण इक्वल टू डिवाइड डिवाइड फंक्शन को कॉल किया क्योंकि डिवाइड फंक्शन का कान ही एक्सेप्शन आएगा अब क्या आएगा यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो का एक्सेप्शन है तो फर्स्ट आर्गुमेंट तो 10 है सेकंड आर्गुमेंट मैंने 0 दे दिया तो ये क्या करेगा कि जब ये यह यहां पे डिवाइड कर रहा होगा a को b से तो यहां से एक्सेप्शन जनरेट होगा अब वो एक्सेप्शन कौन कैच करे, करेगा ये कैच के अंदर देखो मैंने जनरलाइज कैचर रखा है कैच ऑल रखा है एक्सेप्शन ई तो ये उसको कैच कर लेगा कैच करने के बाद ये हमें बताएगा कि क्या एक्सेप्शन आया गेट मैसेज से वो हमें बताएगा कि जो एक्सेप्शन की कैटेगरी है वो कैसा है और क्या मैसेज आएगा तो मैसेज दिखा देगा डिवाइड बाई जीरो

मतलब ये एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए बनाने के लिए अगर आपको अपना कुछ एक्सेप्शन बनाना है तो उस पर्पज़ के लिए यूज होता है अब ये थोड़ा हाई लेवल प्रोग्रामिंग का पार्ट हो गया आपके लेवल से नहीं है वट आर द एक्सेप्शन इन जावा डिस्क्राइब कीबर्स यूज फॉर अब देखिए क्वेश्चन ऐसे हैं जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं तो आपको रिपीटेड मिलेंगे ऑलमोस्ट समराइज करके मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ तक दे दिए इसके बाद का रिपीटेड क्वेश्चन है एनआरएस सिचुएशन अब क्या है भाई एक्सेप्शन का डिफिशन पढ़ते जाइए एनआर सिचुएशन दट इज अनएसपेक्टेड इन द प्रोग्राम एंड कॉस टू टर्मिनेट ऑन कॉल द एसे प्रोवाइड द फॉलोइंगबर्स टू हैंडल द एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक्स अराउंड द पार्ट ऑफ द कोट दट कैन जनरेट द एक्प्शन कैच ब्लॉक the follow a try block catch block contains the exception handler the specific code executed when the exceptions occurs multiple catch blocks following a try block can handle the different types of the exceptions ab ye division by zero ka maine ek example yahan pe de diya hai to ye raha aapka exception handling ka questions milte hain agle video mein fir अगले chapters, अगले topic के क्वेश्चन answer के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए Video पसंद आए तो like करें share करें Channel subscribe नहीं किया तो subscribe कर ले Thank you. Bye bye. Take care.